हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 4 का नाम है हमारा मशीनरी। लेक्चर नंबर 21 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं, उसमें हमने बॉन्ड के टाइप पढ़ चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर हमारा 22 है। लेक्चर नंबर 22 में हम दोस्तों ईंट दीवार का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा टॉपिक हम चर्चा करेंगे ईंट चिनाई के दौरान ली जाने वाली सावधानियां। तो ये दो टॉपिक हम लेक्चर नंबर 22 में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईंट दीवार का निर्माण कैसे किया जाता है स्टेप वाइज जानेंगे, फिर उसके बाद सावधानियां के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस लेक्चर का पहला टॉपिक है हमारा ईंट दीवार का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। तो दीवार का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके कई चरण हैं दोस्तों, तो प्रत्येक चरण का हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो ईंट दीवार का निर्माण करने के लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। पहला चरण जो है चाल बॉन्ड कैसे किया जाता है, कौन वाली बॉन्ड का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो ईंट दीवार का निर्माण करने के लिए हमें अंग्रेजी चाल का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में ही हमें अन्य चाल अपनानी चाहिए। दोस्तों हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का करना हो तो हमें अंग्रेजी बॉन्ड का यूज करना चाहिए। अंग्रेजी बॉन्ड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ भी होती है और आसानी से इसका निर्माण किया जाता है। तो इसलिए हमें कोई भी यदि हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें अंग्रेजी बॉन्ड का यूज करना चाहिए, या फिर किसी विशेष परिस्थिति पे या फिर जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसकी इच्छा अनुसार ही हम दूसरी चाल का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें अन्य बॉन्ड का यूज करना चाहिए जब कोई मकान मालिक के उसके इच्छा अनुसार हो तब। तो दोस्तों पहला स्टेप हमने जाना चाल कौन वाली यूज करनी चाहिए, तो चाल हमें अंग्रेजी बॉन्ड का यूज करनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है दोस्तों ईंटों का चयन, सबसे इंपॉर्टेंट है ईंटों का चयन कैसे करना चाहिए, तो कौन कौन से ईंट का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं, ईंट पूर्ण रूप से पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना चाहिए। पहला क्या है इसमें कि ईंट हमें पकी हुई ईंट का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी से अच्छी जो पकी हो उसका उपयोग करना चाहिए निर्माण कार्य में। ईंटों को प्रयोग करने से पहले अच्छी प्रकार से पानी में भिगो लेना चाहिए। कितने घंटे तक, लगभग 6 घंटे तक हमें ईंट को पानी में भिगो रखना चाहिए, तब माना जाता है कि आप चिनाई कार्य करने योग्य हो गया है ईंट। फिर है ईंट हमेशा अच्छी सतह, सुंदर नुकीली कोर वाली एवं समान आकार की चयन करना चाहिए। वो ईंट हमें ऐसा यूज करना चाहिए जो सुंदर हो, नुकीली हो, कोर वाली एवं समान आकार की चयन। उबड़ खाबड़ ज्यादा इधर उधर वाली ईंट का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा करेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन का जो होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। फिर ईंट को चिनाई करते समय हमें सीमेंट मसाले की उतनी ही मात्रा बनानी चाहिए जो आधे घंटे के अंदर दीवार पर इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि इसके पश्चात सीमेंट मसाला सेट होने लगता है। जब हम चिनाई मशीनरी का कार्य करते हैं तो दोस्तों हमें उचित मात्रा में ही जो मसाला बनाया जाता है उसको बनाना चाहिए, क्योंकि हम एक ही समय में अधिक बना लेंगे तो और उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, वो सेट होने लगता है। आधा घंटा के बाद यदि हम चिनाई करेंगे तो वो सेट होने लगता है और बेकार हो जाता है और फिर उसका यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों दूसरा स्टेप हमने जाना ईंटों का चयन क्या होता है। तो ईंटों का चयन में हमें कैसा यूज करना चाहिए, पकी हुई ईंट का चयन करना चाहिए, सतह सुंदर नुकीली कोर समान आकार वाले होने चाहिए और भीगा हुआ ईंटा होना चाहिए। तो ईंट का चयन हमें इस प्रकार करना चाहिए। तो दो टॉपिक हम जान चुके हैं, ईंट पहले चाल कौन से करेंगे, फिर ईंट का चयन कैसे करेंगे। तीसरा, अब हम जब ईंट का चयन कर लिए हैं तो अब हम रद्दे का यानी कैसे अब चिनाई का इस्तेमाल चालू करेंगे। तो पहला रद्दा लगाना, पहला रद्दा लेइंग ऑफ फर्स्ट कोर्स, पहला रद्दा कैसे लगाएंगे यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों चिनाई कार्य में। तो कंक्रीट आधार के ऊपर ईंट चिनाई शुरू की जाती है। जब हम कोई भी फाउंडेशन तैयार करते हैं
उसके ऊपर हम कंक्रीट बनाकर छोड़ दिया जाता है। कंक्रीट के ऊपर ही उस मशीनरी का किया जाता है, चाहे आप स्टोन का करें चाहे फिर ब्रिक का करें। तो हम ब्रिक वाले पढ़ रहे हैं, तो ब्रिक का करेंगे तो कंक्रीट आधार के ऊपर चिनाई शुरू की जाती है। जितनी मोटी दीवार बनानी हो उतनी ही दीवार की चौड़ाई के बराबर 1 सेंटीमीटर मोटाई में मसाले की परत लगा देते हैं। मतलब ये कह रहा है दोस्तों, जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के ऊपर हमें 9 इंच का बनाना है, 4 इंच का बनाना है, जितना इंच का हमें ब्रिक चिनाई कराना है उतने उतने ही में ही हमें मसाला 1 सेंटीमीटर लगा देना चाहिए। फिर है, सर्वप्रथम दीवार के दोनों किनारों पर ईंट लगाई जाती है। जब हम 1 सेंटीमीटर मोटा मसाला बिछा देते हैं, फिर उसके जहां तक हमें ईंट का चिनाई करना रहता है, उसके सर्वप्रथम दीवार के दोनों किनारों पर ईंट चिनाई लगाई जाती है। फिर दोनों सिरों पर मिला तो एक डोरी तान दी जाती है, दोनों किनारे पर एक डोरी की सहायता से तान दी जाती है। फिर डोरी की ऊंचाई रद्दे की मोटाई के बराबर होनी चाहिए। जितना रद्दा होता है उतना ही उसकी हाइट रखनी चाहिए, ऊंचाई रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हम कहाँ तक पहुंचे दोस्तों, दोनों किनारे पर हमने एक-एक डोरी से तान दिया, और उस डोरी की हाइट कितना होनी चाहिए, जितना हमें रद्दा बनाना होता है। जिस डोरी का जहां से ताने रहते हैं दोस्तों, सिरों की ईंट जमाने के पश्चात जो हमें जहां जहां से डोरी दोनों किनारों पर रख देते हैं उसको जमा देते हैं, और उसकी हाइट कहाँ तक रख देते हैं, उसकी हाइट हमें एक रद्दे तक कर देते हैं। फिर क्या होता है, इसके पार्श पर करनी से मसाला लगाकर अगली ईंट इससे सटा कर रखते हैं। जो हम जहाँ खड़े हुए हैं सिरा, तो वहां से हम करनी की सहायता से फिर अगले स्टेप में हम उसको मसाला से लगाते हैं। यह ईंट डोरी को ठीक छूती हुई, जहां तक हम हाइट करें एक रद्दे तक उसका डोरी का करें हैं, तो उसके छूती हुई रहना चाहिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह ईंट डोरी को ठीक छूती हुई सीधी रेखा पर होनी चाहिए, उससे सटा हुआ हुआ ना चाहिए। इसी प्रकार अगली ईंट रखते हैं। ईंट रखने का यह क्रम दोनों सिरों के भीतरी ओर चलता रहता है। दोनों मध्य एक किनारे पे यहां से चाहे जुड़ाई करें या फिर दूसरे किनारे से, दो दो मिस्त्री इसमें भी कर सकते हैं या फिर एक ही मिस्त्री से इसका निर्माण किया जा सकता है। तो ईंट रखने पर यह क्रम दोनों सिरों के भीतर की ओर चलता है, और मध्य में उपयुक्त लंबाई ईंट लगाकर रद्दा बंद कर दिया जाता है। ईंट को मसाले की परत के ऊपर रखकर इसे करनी मोड़ से हल्का ठोक देते हैं, जिससे यह मसाले सटीक बैठ जाती है। तो इस प्रकार हमारा पहला रद्दा निर्माण किया जाता है। पहले रद्दे के निर्माण करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले रद्दे के निर्माण करने के लिए हमें पहले जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट में जितना हमें कंक्रीट के ऊपर जितने हमें मोटाई में दीवार का निर्माण करना रहता है, उतनी दीवार के लंबाई में हमें 1 सेंटीमीटर पहले मसाला लगा देते हैं। फिर मसाला लगाने के पश्चात जितनी लंबाई में हमें ईंट का दीवार का निर्माण कर रहे थे, उसके दोनों किनारों पर एक एक ईंट लगाकर उसके एक रद्दे के ऊंचाई पर डोरी तान देते हैं। फिर दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, फिर चिनाई करते रहते हैं, और इस प्रकार पहला रद्दा हमारा तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, पहला रद्दा हम हेडर या फिर स्ट्रेचर करेंगे। अब दूसरा रद्दा कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो तीसरा टॉपिक है हमारा दूसरा रद्दा लगाना, दूसरा लेइंग ऑफ सेकेंड कोर्स। पहला है हमारा स्टेप, उसमें है ईंटों, पहला है चाल, दूसरा है हमारा ईंट का चयन, तीसरा है पहला रद्दा, चौथा है हमारा दूसरा रद्दा लगाना, लेइंग ऑफ सेकेंड कोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिनाई में ईंटों का दिल्ला या डिब्बी, दिल्ला या डिब्बी फ्रॉक क्या होता है, जो ईंट के ऊपर सांचा होता है जिसमें भट्ठे वाली कंपनी का नाम लिखा होता है, वही दोस्तों डिब्बी या फिर फ्रॉक होता है, ऊपर रखी जाती है। इसमें अब जब सेकेंड वाला रद्दा करेंगे उसको ऊपर, जिसमें फ्रॉक रहता है उसको ऊपर लगा देते हैं, और इसमें अच्छी प्रकार से मसाला भर देते हैं। जो फ्रॉग रहता है उसमें हम अच्छी प्रकार से मसाला भर दिया जाता है, ताकि दोनों रद्दों में उचित पकड़ बन जाए। फिर दोनों किनारों पर डोरी तान कर रद्दे की क्षैतिजता देकर शेष भाग को मसाला लगाकर ईंट रखते हैं। दीवार की मोटाई जब ईंट से अधिक हो तो पहले सामने तथा पीछे की फलकों पर ईंट लगाई जाती है, और बाद में भरत हर्टिंग में चिनाई की जाती है। बस वही स्टेप अपनाना, एक
एक रद्दा हो गया तो दूसरे रद्दे में क्या करते हैं, बस उसको पलट के फ्रॉग वाला ऊपर कर देते हैं, हेडर वाला नीचे जोड़ रहेंगे तो स्टेचर ऊपर जोड़ देते हैं, बस यानी एकांतर रहना चाहिए और फिर उसी हिसाब से हम जोड़ते हुए जाते हैं। दूसरा रद्दा लगाया कैसे जाते इसके बारे में दोस्तों हमने बताया। अब फिर अगला है चाल बॉन्ड स्थापित करना। अब जब हमारा एक रद्दा दो रद्दा हो गया तो एक चाल बन गई, तो अब इसको क्या होता है चाल बॉन्ड स्थापित करना। चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ एक सीधा में रेखा में नहीं आना चाहिए। जो हमारा हेडर और स्ट्रेचर है हमें ऐसा जोड़ना चाहिए कि उसमें जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं एक सीध में नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक सीधे में हो जाने तो दीवार के फटने के ज्यादा चांस रहता है। तो चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ एक रेखा में नहीं आने चाहिए क्योंकि इस कारण उस रेखा पर दीवार के फट जाने की संभावना रहती है, अर्थात क्रमागत रद्दों में आने वाले ऊर्ध्वाधर जोड़ को आगे पीछे कर देते हैं। यही प्रक्रिया चिनाई चाल स्थापित करना होता है। तो चाल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चाल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसके जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं दोस्तों वो एक सामने ना आए। एक सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, एक सामने आएंगे तो दीवार फटने का ज्यादा चांस रहेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो स्टेप तक हम कहां तक जान लिए, चाल बॉन्ड स्थापित करना। अब हम अगला स्टेप जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला स्टेप है जोड़ों की सफाई। जब हमने चाल बॉन्ड स्थापित कर दिया है, हमें दो जोड़ मिल चुके हैं, दो दो एक एक, एक हेडर वाला का वर्टिकल और दूसरा स्ट्रेचर वाला, तो अब क्या करते हैं जोड़ों की सफाई, क्लीनिंग ऑफ जॉइंट। चिनाई कार जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है उसी समय दीवार के बाहरी एवं भीतरी सतहों को करनी की सहायता से 2 सेंटीमीटर गहराई तक साफ करते जाते हैं। ऐसा कर देने से दीवार पर प्लास्टर या टिप को आसानी से किया जा सकता है। जो दोस्तों उसमें वर्टिकल बॉन्ड होते हैं उसको साफ करते रहना चाहिए, कितना उसकी गहराई रहती है 2 सेंटीमीटर साफ करते रहना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, जब हम प्लास्टर कराएंगे तो उसमें जुड़ जाएगा और अच्छे तरीके से हमारा प्लास्टर होगा। यही होता है जोड़ों की सफाई करना। तो दोस्तों अगला स्टेप है हमारा पाड़ लगाना। जब दीवार की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक होने लगती है तो चिनाई करना कठिन हो जाता है, अतः इससे ऊपर की चिनाई के लिए बल्लियों को गाड़कर उनके ऊपर पटरे डालकर पाड़ बनानी पड़ती है ताकि उस पर बैठकर ऊपर की दीवार उठाई जा सके। जब दोस्तों हम इस प्रकार पहला रद्दा दूसरा रद्दा तीसरा रद्दा इस प्रकार निर्माण करते रहते हैं तो उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब 1.5 मीटर के ऊपर जाएंगे, यानी आदमी की जितनी हाइट होती है उसके ऊपर जाएंगे तो फिर उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर निर्माण करने के लिए हम पाड़ का उपयोग करते हैं। तो पाड़ कैसे बनाया जाता है, पाड़ बनाने के लिए बल्ली चाहिए, बल्ली गाड़ कर उसके ऊपर पटरा बिछा देते हैं, पाड़ हमारा तैयार हो जाता है। तो ये था अगला स्टेप। फिर जब पाड़ तैयार हो गया तो फिर इसके आगे है हमारा तराई। 7 दिन तक दीवार की तराई की जाती है ताकि सीमेंट के सामर्थ्य में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो तराई करने के बाद हमारा पूर्ण रूप से कोई भी वाल्स तैयार हो जाता है। तो वाल्स का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम स्टेप वाइज स्टेप हमने जाना दोस्तों। तो अब ये टॉपिक हमारा दीवार का निर्माण कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल स्टेप वाइज स्टेप जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों अगला टॉपिक हम जानेंगे ईंट चिनाई के दौरान ली जाने वाली सावधानियां। जब हम ईंट चिनाई का निर्माण कर रहे थे तो कौन कौन से सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे हमें अच्छी से अच्छी दीवार का निर्माण किया जा सके। तो पहला है हमारी सावधानियां, सभी संरचना की दीवार का निर्माण अंग्रेजी चाल से करना चाहिए क्योंकि यह सस्ती एवं मजबूत होती है। ये पहला था, हमें अंग्रेजी बॉन्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है, चिनाई करते समय जहां तक संभव हो दरवाजे खिड़कियां उनके साथ स्थापित करना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि यदि हम निर्माण के समय ही दरवाजे खिड़कियां लगा देंगे तो हमें मजबूती प्रदान होता है क्योंकि बाद में उसके स्थान पे जगह छोड़ दिया जाता है, बाद में जब लगाते हैं तो उसको फिर निकालना पड़ता है जिससे दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा करना चाहिए कि जब हम कोई भी निर्माण करें तो दरवाजे खिड़कियां साथ में लगाने की कोशिश करना चाहिए।
फिर है चिनाई में प्रयोग होने वाला ईंट पहले अच्छी प्रकार से भिगो लेना चाहिए, क्योंकि उससे सामर्थ्य आती है और मसाले का यूज सही से हो पाता है। फिर चौथा है मुख दीवार में किसी अन्य दीवार को जोड़ने के लिए मुख दीवार से खसके छोड़ते जाना चाहिए, ताकि दीवार मजबूती से आसानी से जुड़ जाए। जब कोई भी दीवार अन्य दीवार से जोड़ना होता है तो खसका हमें छोड़ना चाहिए। खसके छोड़ने से क्या होता है, जब दो अन्य दीवार को हम जोड़ेंगे तो मजबूती से जुड़ जाएगा। तो ये चार स्टेप हमने जाना चिनाई के दौरान ली जाने वाली सावधानियां। पहली सावधानियां क्या थी, पहले सावधानियां थी अंग्रेजी बांड का उपयोग करना चाहिए। दूसरी सावधानियां थी दरवाजे खिड़कियां साथ में प्रयोग करना इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है चिनाई में प्रयोग होने वाला ईंट अच्छे प्रकार से भिगो लेना चाहिए। चौथा है कि खसके छोड़ते रहना चाहिए। पांचवा है क्रमागत रद्दों के खड़े ऊर्ध्वाधर जोड़ एक सीधे में नहीं होना चाहिए। जब हम चिनाई करते हैं तो यही ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं एक सीध में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हमने कई बार बताया है कि दीवार फटने का डर ज्यादा हो जाता है। फिर दोस्तों है दीवार में प्लास्टर चिनाई में 3 सप्ताह बाद करनी चाहिए। कोई भी हमें दीवार का यदि निर्माण हो गया तो उसका जो प्लास्टर है 3 सप्ताह बाद करना चाहिए। फिर है चिनाई कार वर्षा के पानी से बचाना चाहिए। जब बारिश होती रहे दोस्तों तो उसमें चिनाई का कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब इस्तेमाल करेंगे तो मसाला हमारा भीग कर बह जाएगा। फिर है ईंट चिनाई पर 1 सप्ताह तक पानी छिड़क कर इसकी तराई करनी चाहिए। कोई भी हमें वाल्स का इस्तेमाल यदि निर्माण करेंगे तो उसकी तराई हमें 1 सप्ताह तक करनी चाहिए। फिर है चिनाई की पाड़ पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, जो पाड़ हम इस्तेमाल करते हैं वो मजबूत होना चाहिए। फिर है लंबी दीवारों में 30 से 45 मीटर के बाद 15 mm का प्रसार जोड़ छोड़ देना चाहिए। क्या लंबी दीवारों में 30 से 45 मीटर के बाद 15 mm का प्रसार जोड़ छोड़ देना चाहिए। तो ये था दोस्तों चिनाई कार्य करते समय सावधानियां कौन कौन से बरतनी चाहिए, जिससे हमें अच्छे से अच्छी वाल का निर्माण हो सके। तो एक बार फिर से दोस्तों रिवीजन कर देते हैं कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। पहला है सभी संरचना की दीवार का चिनाई अंग्रेजी चाल से करना चाहिए। दूसरा है जहां तक संभव हो दरवाजे खिड़कियां एक साथ स्थापित करना चाहिए। तीसरा है चिनाई में प्रयोग होने वाला ईंट पहले अच्छे प्रकार से भिगो लेना चाहिए। और चौथा है मुख दीवार किसी अन्य दीवार से जोड़ने के लिए रद्दा छोड़ते रहना चाहिए। पांचवा है क्रमागत रद्दों के खड़े ऊर्ध्वाधर जोड़ एक सीधे में नहीं होना चाहिए। दीवार पर प्लास्टर चिनाई के 3 सप्ताह बाद करनी चाहिए। और सातवां है चिनाई को एक को वर्षा पानी में नहीं करना चाहिए, और चिनाई पर 1 सप्ताह तक पानी छिड़क कर इसकी तराई करते रहनी चाहिए। और नौवां है चिनाई की पाड़ पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। और दसवां है लंबी दीवारों में 30 से 45 मीटर के बाद 15 mm का प्रसार जोड़ छोड़ देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चिनाई कार्य करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए समझ में आ गया हो। दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।